चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि के अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल के रीढ़ साहब धर्मशाला स्थित आवास पर फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल सहित अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। फलाहार कार्यक्रम में शामिल लोगों ने माँ दुर्गा की आराधना करते हुए फलाहार का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगाया गया है, जिसके तहत चुनाव आयोग से परमिशन लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, आज से नवरात्र की शुरुआत है और मैं पूरे देशवासियों को नवरात्र की शुभकामना देता हूं। गोरखपुर के नगरवासियों को भी विशेष तौर पर नवरात्रि की शुभकामना देता हूं। और ये फलाहार का कार्यक्रम पिछले कम से कम 28 वर्षों से हम लोग करते चले आ रहे हैं। आचार संहिता के कारण अब की बार आयोग का आदेश लेकर के भी इसको कर रहा हूं, ताकि कोई कुछ ऐसा कमेंट न कर सके। पूरी तौर पर कानून सम्मत रहे और देश की जनता को आज एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो पूरी तौर पर उसके कल्याण के लिए, हित के लिए कार्य कर रहा है। सभी अग्रे पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सबके लिए कर रहा है। उस सबका हर योजनाओं के आधार पर कल्याण हो रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, और मैं महसूस करता हूं कि देश की जनता देश के विकास के लिए हमेशा उनके साथ रहेगी।